अब हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस क्या काम करता है कंडक्टर के अंदर, रेजिस्टेंस किन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्चू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। किसी कंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो करंट को फ्लो होने से रोकता है या अपोज करता है। जैसे रोड के ऊपर बैरिकेड्स होती हैं, वो बैरिकेड्स व्हीकल्स को मूव करने से रोकती हैं या उनकी स्पीड को लिमिट करती हैं। तो यही काम रेजिस्टेंस करता है कंडक्टर के अंदर। जब किसी कंडक्टर के अंदर से जो करंट है वो फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते करते दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करते हैं। तो जब ये कोलिजन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रही हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो मूव कोलाइड करते ही हैं, साथ ही साथ उस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके साथ भी कोलाइड करते हैं। तो इस कोलिजन के कारण जो करंट होता है वो अपोज होता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है उसकी एसआई यूनिट होती है ओम, और ओम को एक ग्रीक लेटर ओमेगा के साथ डिनोट किया जाता है। ओमेगा का साइन होता है ये। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इट मींस इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, फॉर एग्जांपल 5 ओम या 15 ओम, कुछ भी वहां पर वैल्यू हो सकती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी, इट मींस यहां पर एक नंबर है और एक यहां पर यूनिट है, यहां पर डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही है। तो अब हम ये देखते हैं कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है क्या वो किसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्या वो कांस्टेंट रहता है। जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो कई सारे टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए क्या होती है वो, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। ये डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है। वो आयरन का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है। उस कंडक्टर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, उस कंडक्टर की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है और वहां के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम ये देखते हैं कि लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो उस कंडक्टर की लेंथ के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। इट मींस कोई भी जो कंडक्टर है, कोई जो वायर है, जितनी लंबी वायर होगी उसका उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और वो वायर जितनी छोटी होगी लेंथ में उसका जो रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम होगा। इट मींस लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस के साथ। देखिए आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, किसी भी वायर की थिकनेस होती है। इट मींस जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उतना कम रेजिस्टेंस होता है, जितना कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि जो वायर्स होती हैं वो हमेशा गोल ही होती हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो इट मींस जितनी पतली वायर होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उस वायर का, जितनी मोटी वायर होगी उस वायर का या उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो ये अफेक्ट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ऑन द रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो प्योर मेटल्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो। लेकिन अलॉयज का जो रेजिस्टेंस होता है तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट अनचेंज्ड रहता है। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा रहा है तो अलॉयज का रेजिस्टेंस अनचेंज्ड रहता है। अलॉयज जैसे मैग्नीनियम, कॉन्स्टेंटन जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑन द रेजिस्टेंस, कि किसी भी कंडक्टर के मटेरियल का उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सम मटेरियल्स हैव लो रेजिस्टेंस, कुछ
कुछ जो मटेरियल्स होते हैं उनमें कम रेजिस्टेंस होता है, लेकिन कुछ में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। जनरली किसी अलॉय के अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है इन कंपैरिजन टू द मेटल्स व्हिच फॉर्म द अलॉय। किसी अलॉय के अंदर जो मेटल्स यूज किए जा रहे हैं उस अलॉय का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द मेटल्स। जिस मेटल से वो अलॉय बनाया गया है उस मेटल का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जैसे कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम जो प्योर मेटल्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है। ये हम प्रीवियस पॉइंट में स्टडी कर चुके हैं। और अलॉयज जैसे निक्रोम, कॉन्स्टेंटन जो होते हैं उनके अंदर हायर रेजिस्टेंस होता है, और ऐसे जो अलॉयज होते हैं उनको हीटिंग एलिमेंट बनाने में यूज किया जाता है। जैसे जो इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, टोस्टर्स होते हैं, ऐसे हीटिंग एलिमेंट्स में इन अलॉयज का, कॉन्स्टेंटन, निक्रोम वगैरह का यूज किया जाता है।